Hi guys, namaste, welcome back to my channel. In today's video I'm going to share few tips or few habits which will help you in maintaining your house, organizing your house, or it will keep your house neat and clean. So ek acha environment, ek achi surrounding aapko mentally bahut affect karti hai. Agar aapka house, aapka ghar saaf hai, clean hai, to aap एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट फील करोगे, जिससे जो आपका काम है वो यू नो अच्छे तरीके से होगा, सक्सेसफुली होगा. और आप यू नो फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप कोई आपका घर क्लीन है तो आप कोई भी चीज़ ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी, जिससे आपका टाइम काफ़ी बचेगा और एक अपने आप ही एक अच्छा इन्वायरमेंट दिखेगा आपको, पॉजिटिविटी माइंड में आएगी, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ठीक रहेगी. सो आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू थिंग्स जो कि स्लोली स्लोली आप करने से एक हैबिट बन जाती है. यू नो कहते भी हैं कि आप कोई भी चीज़ 21 दिन तक करो तो वो एक हैबिट बन जाती है. अगर आप वो करोगे तो यू नो इट विल हेल्प यू अलॉट. तो आई एम एक्सट्रीमली नीट एंड क्लीन पर्सन. आई थॉट आई शुड शेयर दीज टिप्स विद यू गाइज, जो मैं फॉलो करती हूँ, एंड आई होप कि ये टिप्स आपको भी हेल्प करेंगी. सो अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो कीप ऑन वॉचिंग फॉर दीज टिप्स एंड ट्रिक्स. The first habit is to make bed immediately after you wake up. तो सबसे पहले जब मैं उठती हूँ तो मैं बेड क्लीन करती हूँ, बेडशीट क्लीन करती हूँ और जो भी आसपास सामान है उसको उठाती हूँ. तो इससे आपका रूम इमीडिएटली बहुत नीट एंड क्लीन लगने लगता है. तो सबसे पहले आपको आदत चेंज करनी है कि आप उसको बाद के लिए मत छोड़ो, इमीडिएटली जो भी है क्लीनिंग उसको आप साथ के साथ करो. इससे आपके रूम में एक इंस्टेंट यू नो नीट एंड टाइडी लुक आएगी. सो नेक्स्ट इज ऑलवेज़ कीप योर काउंटर टॉप्स क्लीन. तो कोई भी ड्रॉर है, कोई भी शेल्फ है, आप उसको क्लीन रखें. जो भी डेकोरेशन का सामान है उसके अलावा बाकी का सामान आप ड्रॉर्स के अंदर रख सकते हैं. तो जैसे कि किचन का टॉप काउंटर जो हमारा होता है उस पर आप जो भी डेली ज़रूरत की चीज़ें उनको ही बाहर रखें, बाकी आप ड्रॉर्स के अंदर रख सकते हैं. तो पानी की बॉटल्स होगी, ऑयल कंटेनर हो गया, पेपर रोल हो गया, आप इनको बाहर मेन टॉप पर रख सकते हैं, काउंटर पर रख सकते हैं, बाकी आप सारा अंदर रखें. थर्ड पॉइंट टू बी नोटेड इज़ जब भी आप किचन में काम कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो साथ के साथ में आप क्लीनिंग करें. तो चॉपिंग कर रहे हैं तो साथ में एक कंटेनर एक्स्ट्रा रख लें, जब प्लेट रख लें उसमें उसके छिलके रखें, तो आपकी जो शेल्फ है वो गंदी नहीं होगी और एंड में आप अपना डस्टबिन में फेंक सकते हैं. और साथ में अनदर थिंग इज़ जब भी आपके बर्तन धोने वाले हैं तो उनको पाइल अप ना करें, उनको इकट्ठा ना होने दें, साथ के साथ बर्तन वॉश करेंगे तो लास्ट में आपका काम भी इजी होगा और एक तो दिखने में भी किचन जो है काफ़ी साफ लगती है और आपका काम एंड में बहुत आसान हो जाता है. तो साथ के साथ काम करने से काम कम होता है. फोर्थ पॉइंट इज़ वाइप डाउन द काउंटर एंड टाइल्स. जब भी आप कुकिंग करके हटते हो या कुकिंग कर रहे हो उसके साथ के साथ क्लीनिंग करते रहोगे, अपनी किचन टॉप काउंटर को साफ करते रहोगे तो किचन बहुत ही क्लीन लगेगी, अच्छा इन्वायरमेंट लगेगा, कुकिंग करने को मन करेगा. जैसे कि ऑयल कंटेनर है, आप उसको डेली साथ के साथ साफ कर सकते हैं तो जो ऑयल है वो जमा नहीं होगा. और साथ में सबसे ज़्यादा जो किचन की टाइल्स गंदी होती हैं, क्योंकि हमारा इंडियन खाना ऑयल में काफ़ी पकता है, तो उसको डेली आप हल्का सा कपड़े से साफ कर देंगे तो उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. नेक्स्ट इज़ ऑलवेज़ ऑर्गेनाइज़ योर ड्रॉर्स एटलीस्ट वंस इन अ वीक. तो जो भी उसमें फालतू का सामान है वो आप उसको निकाल दें, जो नहीं यूज़ का है आप उसको निकाल सकते हैं, और जो सामान है उसको अच्छे अरेंज करके रखें. तो इससे आपको काम जो है आपका एक तो बहुत नीट एंड क्लीन लगेगा, अच्छा लगेगा, आपको टाइम पर सामान मिल जाएगा, ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी. नेक्स्ट इज़ क्लीन और डस्टिंग. तो मैं डेली डस्टिंग करती हूँ, जो भी मेरे टेबल्स हैं, ड्रॉर्स हैं, शेल्फ हैं, मिरर हैं, मैं डेली क्लीन करती हूँ. बिलीव मी, इट ओनली टेक्स मैक्सिमम 5 मिनट्स, बट इससे हमारी मेन चीज़ें टेबल हैं जिस पे हम बैठ के खाना खाते हैं, वो जर्म्स वगैरह साफ हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं. तो ये चीज़ें आपको डेली क्लीन करनी है झाड़ू पोछे के साथ में. नेक्स्ट इज़ आई ऑलवेज़ ऑर्गेनाइज माई ड्रेसिंग टेबल आफ्टर अ यूज़. तो इससे क्या है, मुझे चीज़ें ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होती और छोटा सा ड्रेसिंग टेबल है तो उसमें सामान अगर मैं ऑर्गेनाइज रखूँगी तो ईज़िली मिलेगा. नेक्स्ट इज़ अनलोड डिश बास्केट. तो जो भी बर्तन हम क्लीन करके वॉश करके रखते हैं बास्केट में, उसको साथ के साथ सूखने के बाद अरेंज कर दें, उसको ज़रा पाइल अप ना होने दें और साथ के सूखने के बाद इमीडिएटली उसको जगह पर रख दें.
नेक्स्ट इज़ जब भी आप लोग बाहर से आओ तो उसको जो भी आपका हैंड बैग है शूज़ है उसको जगह पे रखो, ऐसे फेंकने की बजाय उसको इमिडिएटली उसकी जगह पे रखो। और बाद के लिए कोई भी काम मत छोड़ो, उसको साथ के साथ ऑर्गेनाइज रखो, तो दैट विल मेक योर लाइफ ईजी। तो शूज़ हैं आप उसको अपने शूज़ रैक में रखोगे, इतना वैसे भी बहुत बुरा लगता है अगर आप उसको बाहर रख रहे हो, तो एक प्रॉपर चीज़ को प्रॉपर प्लेस पर होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज प्लान योर नेक्स्ट डे। तो जो भी आपको कपड़े पहनने हैं उसको पहले से अलमारी से निकाल के रख ले, से अलमारी भी सेट रहेगी, आपको एकदम कुछ भी ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। तो मैं हमेशा एक दिन पहले प्लान करती हूँ कि मुझे अगले दिन क्या पहनना है, क्या करना है, तो मेरी लाइफ बहुत ईजी रहती है इन चीज़ों से। एंड आई होप कि आपको ये व्लॉग, ये टिप्स अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेक श्योर यू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन, एंड आई विल सी यू सून। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटीफुल। बाय।